दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एप्पल के लॉन्च इवेंट में आईफोन के साथ साथ आपको वॉच सीरीज़ 4 भी देखने को मिली, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वॉच सीरीज़ 4 में ऐसा क्या है जो इसे वॉच सीरीज़ 3 से बिल्कुल अलहदा बनाता है, क्या इसके खास फीचर्स क्या इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेली बेसिस पे वीडियो लाता रहता हूं। तो अगर बात करें वॉच सीरीज़ 4 की, तो इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, स्पेशली स्क्रीन साइज़ को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, स्पीकर को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो इसमें जो वॉच सीरीज़ 3 आप 1 और 2 या 3 देख रहे थे, तो वो बिल्कुल एप्पल ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा था, बिल्कुल सिमिलर लेकर आ रहा था। लेकिन अगर आप वॉच सीरीज़ 4 को देखते हैं तो आपको सीरीज़ 3 की नस्बत आपको डिस्प्ले साइज़ इंक्रीज़ मिलता है। यहाँ पे 40mm और 440mm तक का डिस्प्ले साइज़ मिल जाते हैं, मतलब सीरीज़ 3 से आपको 30% बिगर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बिल्कुल बेजल्स और कम कर दिए गए हैं, मतलब आपको 9 बेजल्स देखने को मिलेंगे इसके स्क्रीन साइज़ पर। और अगर बात करते हैं डिजिटल क्राउन की, तो इसके डिजिटल क्राउन में बड़ा काम किया गया है, जिसमें आपको बकायदा एक फीलिंग मिलेगी जब भी आप स्क्रॉल करेंगे अपने नोटिफिकेशन से ऐप को, आपको बकायदा स्टेप बाय स्टेप फीलिंग मिलेगी कि आप कोई वाकई चीज़ स्क्रॉल कर रहे हैं। प्रोसेसर इसमें ज़्यादा ला दिया गया है, जिसका नाम है लेटेस्ट प्रोसेसर S4, जो आपको दुगनी परफॉर्मेंस देगा सीरीज 3 के नस्बत। लाउड स्पीकर में बहुत सारा काम किया गया है, जो आपको 2 गुना ज़्यादा लाउड स्पीकर देगा, जिसकी वजह से आपके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस सुनने में और आसानी पैदा करेगा। यहाँ पर एप्पल ने वॉच फेसेस बहुत सारा दे दिए, थाउजेंड्स ऑफ वॉच फेसेस दे दिए हैं, ताकि आप हेल्थ के मामले में, अगर आपकी फ़ोन को एप्पल वॉच को कूल दिखाना हो, तो ये बहुत काम में आ सकते हैं। आप एप्पल, आप जानते ही कि हेल्थ के मुकाबले में बहुत कॉन्शियस है, और ये बहुत से काम करता है एप्पल वॉच में, ख़ास कर हेल्थ के मुकाबले में। तो इसमें एप्पल वॉच में बहुत सारे इलेक्ट्रो और सेंसर्स डाले गए हैं, जो आपको ये बताएंगे कि आपके हाई रेटेड, अगर आपकी हार्ट रेट हाई होती है तो आपको ऑब्वियसली सीरीज़ 3 में भी वार्निंग देते थे, लेकिन सीरीज़ 4 में अगर आपकी हार्ट रेट लो भी हो रही है तो यहाँ पर भी आपको वार्निंग आएगी। इसके अलावा यहाँ पर ECG का नया जो फंक्शन है वो मुतारिफ़ कराया गया है। अब बेसिकली ECG होता क्या है? ECG का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मतलब अगर आप अपने डिजिटल क्राउन पे फिंगर रखेंगे तो आपके पूरे हार्ट रेट और आपका पूरा हार्ट किस रिदम में उस वक्त चल रहा है, तो आपको पूरा ग्राफ दिखा देगा। आपका हार्ट रेट किस ग्राफ पे चल रहा है वो आपको पूरा शो करा देगा। तो ये बिल्कुल एक अच्छा फ़ीचर है, जिसका नाम है ECG। और इसके अलावा एक और फ़ीचर मुतारफ़ कराया गया है, जिसका नाम है फॉल्ट डिटेक्शन। इस फॉल्ट डिटेक्शन में क्या है कि मान लीजिए कि कोई यूज़र एप्पल वॉच पहन के चल रहा है और वो गिर जाता है, तो एप्पल वॉच खुद ब खुद एमरजेंसी नंबर पर कॉल मिला देगी। अगर वो बंदा 1 मिनट तक के मूव नहीं करता है तो एमरजेंसी नंबर पर खुद ब खुद कॉल मिल जाएगी, या फिर आपको एक स्क्रीन पे मैसेज शो कराया जाएगा वार्निंग पे कि आप एमरजेंसी नंबर पर कॉल करना चाहते हैं या नहीं। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है दोस्तों। कुछ ज़्यादा फीचर्स इंक्लूड नहीं किए गए हैं, उसी को परफॉर्मेंस बेटर बना के वो। लेकिन अगर बात करें सीरीज़ 3 की, तो अगर आपको ख़रीदनी चाहिए तो ज़रूर आपको सीरीज़ 4 ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि ये एडवांस लेवल पे पहुंच गई है स्मार्ट वॉच। दोस्तों, अगर प्राइस की बात करें सीरीज़ 4 की वॉच की, तो अगर आपको सिर्फ GPS के साथ चाहिए, वो आपको मिलेगी स्टार्टिंग प्राइस है जिसके $399। अगर आपको GPS के साथ सेलुलर चाहिए, सेलुलर का मतलब आपको सिम भी लगानी है, आप सिम वाली वॉच लेना चाहते हैं, तो आपको पड़ेगी $499। तो यही था ओवरव्यू एप्पल सीरीज़ 4 वॉच के बारे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेली बेसिस पे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।